मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज इस टॉपिक को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जितने भी जेंट्स आज यहाँ पे हैं, जिनको ये लग रहा है कि ये टॉपिक लेडीज के लिए है, ये तो सही है कि आज हम लोग जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे इज ओनली फॉर लेडीज का ही ये प्रोडक्ट्स है। लेकिन अगर मैं कोई भी फैमिली की बात करूं, आपके घर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके घर में भी एक फीमेल मेंबर है जिनको ये हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? आज हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन सी प्रोडक्ट्स है, आखिर हाइजीन क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हाइजीन को लेके हम लोग किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, हर लेडीज के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ, और ऑलरेडी ये सेशन फेसबुक में लाइव हो चुकी है, आप लोगों को लिंक भी मिल चुकी है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी जूम एंड फेसबुक के लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, और मैं अपने सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सबसे पहले हर टाइम की तरह प्रेजेंटेशंस को आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रही हूं, और आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे कि आप लोगों को प्रेजेंटेशंस प्रॉपरली दिखाई दे रही है या तो कोई भी दिक्कतें आ रही हैं। सभी को दिखाई दे रही है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम या तो कोई भी दिक्कत? थैंक यू सो मच। चलिए आज हम लोग जिस प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मुझे ये बताना, मतलब आप लोगों को मुझे ये बताना जरूरी है कि आखिर ये वुमेन हाइजीन क्या है, या तो वुमेन हाइजीन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम लोग कोई भी वुमेन हाइजीन को लेके बात करते हैं, आज की जो मॉडर्न वुमेन है, ये जितने भी ज्यादा मॉडिफाई है, वो जितने भी ज्यादा खुद को मॉडर्न वो सोच रहे हैं, वो खुद हो रहे हैं, वो वर्किंग लेडीज हो या तो घर में, मतलब जो घर में रहते हैं जो लेडीज है, हर किसी के लिए वुमेन हाइजीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि आखिर क्यों, तो मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आप लोग शायद सभी जानते होंगे, एक लेडीज का अगर कोई भी प्रॉब्लम का शुरुआत होती है वो है वुमेन हाइजीन को लेके, राइट? कोई भी आप प्रॉब्लम देख लीजिए, वो यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो मेंस्ट्रुएशंस की प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और आज के टाइम पे जो ज्यादातर दिखाई दे रही है वो है यूट्रस कैंसर, या तो यूट्रस में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होना जहां पे एक लेडीज की जान भी जा सकते हैं, राइट? ऐसी प्रॉब्लम की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि आज भी हम लोग, मतलब जितने भी वुमन है, जितने भी लेडीज हैं, आज भी वुमन हाइजीन को लेके उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है। आज भी हम लोग वही सोचते हैं कि जब हम लोग नहाते हैं, इंटीमेट एरियाज को साबुन से क्लीन करना काफी होती है, साबुन इंटीमेट एरियाज के लिए काफी है। जब हम लोग बार बार टॉयलेट को यूज करते हैं, उस टाइम पे आज भी लेडीज ये सोचते हैं कि उनकी इंटीमेट एरियाज के लिए नॉर्मल सी पानी काफी होती है उसे वॉश करने के लिए, राइट? आज भी लेडीज को यही लगता है कि अगर आप लोग मतलब अगर एक लेडीज को मेंस्ट्रुएशन सर्कल स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे वो अगर इंटीमेट एरियाज को नॉर्मली एक मतलब साबुन से भी क्लीन करता है तो उसमें काफी होती है, राइट? अगर मैं वुमेन हाइजीन की बात कर रही हूँ, और जहां पे मैं बार बार इस हाइजीन को लेके बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर हाइजीन का मतलब यही होती है कि आपकी इंटीमेट एरियाज, वुमेन की हर एक पार्ट हाइजीन के अंदर आते हैं, उनके हर एक पार्ट को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक वुमेन तभी
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं जब उनकी हर एक ऑर्गन्स, उनकी साइज, उनकी प्लेस और उसके साथ साथ वो सिक्योर रहे और बैक्टीरिया फ्री रहे। इसे कहते हैं ओमन हाइजीन, राइट। ये इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आज अगर हम लोग ओमन हाइजीन को लेके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये समझना और इसको लेके, मतलब जब भी आप, अगर मैं आप लोगों की बात करूं, जब भी आप इस प्रोडक्ट को लेके किसी के पास जाएंगे, यहाँ पे दो चीज होती है। एक, हम लोग खुद उससे बात नहीं कर पाते हैं, अगर एक जेंट्स है, एक लेडीज से हम लोग वुमेन हाइजीन को लेके बात नहीं कर पाते हैं, और अगर एक लेडीज है तो उनके अंदर शायद बहुत सारे क्वेश्चन है वुमेन हाइजीन को लेके, वो किसी से ये बात बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, हर किसी को वुमेन हाइजीन को लेके बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में जो माँ है, जो बेटी है, जो बहन है, उनकी लाइफ सिक्योर हो, उनकी हर एक बॉडी पार्ट सही से रहे, उनको इन फ्यूचर एक सिक्योर, मतलब एक सिक्योर लाइफ की जरूरत है, इसके लिए वुमेन हाइजीन को लेके बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आज ऐसा ही एक किट जो आप लोगों के सामने में लेके आई हूं, जो केवा की एक बहुत ही जबरदस्त किट आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है वुमेन हाइजीन केयर किट, राइट। इससे पहले भी इसको लेके बात हुई थी, और हम लोग बार बार इसको लेके इसलिए बात करते हैं क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं पे, अगर मैं कहीं भी जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ और जब भी इस प्रोडक्ट्स को लेके बात होती है, हमेशा एक लेडीज ये वेट करते हैं कि कब आपकी सेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद वो खुद मेरे सामने चल के आते हैं, और उसके बाद किसी के सामने नहीं कहते हैं वो, उनको आज भी यही लगता है कि भाई ये बहुत गलत वाली चीज है, इसको लेके कोई भी जेंट्स के सामने बात नहीं करनी है। ये सोच बदलनी है। जब तक आप एज ए लेडीज इसे नहीं बदलते हैं तो पूरी दुनिया भी नहीं बदलेगी। तो हाइजीन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको खुल के बोलना बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो आप लोग भी इसको लेके बात कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को भी इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताना जरूरी होती है। आपके घर में जितने भी फीमेल हैं, हर किसी को ये प्रोडक्ट्स की सख्त से सख्त जरूरत होती है, क्योंकि अगर मैं एक लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत की बात करती हूँ तो वो है वुमेन हाइजीन किट से उसकी शुरुआत होना चाहिए, उसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। चलिए तो हम लोग अभी टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। वुमेन हाइजीन किट काइपो की जो वुमेन हाइजीन केयर किट है, इसके अंदर आपको चार प्रोडक्ट्स मिलेगी। एक है काइपो ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशंस जो 100 ml में आती है। नेक्स्ट है काइपो की बट अपलिफ्टिंग क्रीम जो 50 ग्राम में आती है। नंबर थ्री काइपो की हाइजीन वॉश जो 100 ml में आती है, और उसके साथ साथ है काइपो वजाइनल टाइटनिंग क्रीम जो 50 ग्राम में आती है, राइट। अब चलते हैं कि ये चार प्रोडक्ट्स एक वुमेन को कॉन्फिडेंट क्यों बनाती है, क्यों जब आपकी हाइजीन प्रॉपरली रहते हैं, आप किसी के सामने बात करने में, आप किसी की, मतलब कोई भी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट्स की बात करूं, इज अ बेस्ट फॉर्मिंग लोशंस, ये हर एक लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आज के टाइम पे कोई भी लेडीज की प्रॉब्लम की बात करूं तो आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, राइट, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से लेडीज की ब्रेस्ट के ऊपर बहुत एक मतलब एक साइड इफेक्ट होती है ये सारे हार्मोन चेंज के वजह से। उसके साथ साथ जब एक लेडीज माँ बनती है, उस टाइम पे जब एक
बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करती है उस टाइम पे भी ब्रेस्ट की चेंजेस होती है लोकेशंस की, राइट? तो इसको लेके अगर आप, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपकी हर एक ऑर्गन्स, हर एक बॉडी के पार्ट प्रॉपरली साइज एंड प्रॉपरली आपकी प्रॉपर प्लेस में ना हो, वो कोई भी वजह से हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशंस एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी ब्रेस्ट की टाइटनिंग, उसकी इम्प्रूवमेंट, या तो ब्रेस्ट की जो साइज होती है, जो लोकेशंस होती है, उसे ठीक करने का काम करते हैं। इस प्रोडक्ट्स के अंदर है एलो इंडिका एक्सट्रैक्ट, टर्मिलानिया अर्जुना और उसके साथ साथ है बेल एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये आपकी ब्रेस्ट को प्रॉपरली साइज में देते हैं, उसके साथ साथ ब्रेस्ट की जो कोलाजिन होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, उसे लिफ्ट करने का काम करते हैं। अगर मैं हॉर्मोनल इंबैलेंस या तो ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे एक लेडीज की ब्रेस्ट सैगिंग हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है। तो ये जो ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन है, ये क्या करते हैं, आपके कोलाजिन को, ब्रेस्ट की जो कोलाजिन होती है उसे बूस्ट करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी को टाइटनिंग देते हैं, और उसके साथ साथ वो और क्या काम करते हैं, जो एक सैगी आपको जो ब्रेस्ट चाहिए, जो एक फॉर्मिंग ब्रेस्ट की जरूरत होती है, जो आपकी ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, ऐसी एक ब्रेस्ट आपको मिल सकती है, राइट? बहुत सारे लेडीज को आप जानते होंगे, बहुत सारे एक्ट्रेस को आप जानते होंगे, जो अपनी इस खूबसूरती को, राइट, अगर मैं ब्रेस्ट की बात कर रही हूँ, तो उसे उसकी सैगिंगनेस को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, राइट? क्योंकि उसकी ब्रेस्ट प्रॉपरली साइज में रहे और उसके साथ साथ उनकी जो टाइटनिंग हो वो प्रॉपरली रहे, राइट? तो इसके लिए आपको, अगर आप ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन यूज करते हैं, जो आपको कोई इंजेक्शंस की जरूरत नहीं होगी, जो इंजेक्शंस लोग लेते हैं उसमें एक साइड इफेक्ट होती है, राइट? लेकिन ये आपकी विदाउट साइड इफेक्ट आपको प्रॉपरली एक फॉर्मिंग ब्रेस्ट आपको देती है। आपको किस तरह से इस प्रोडक्ट्स को यूज करना है, आप जब भी यूज करें, दिन में 2 बार इसे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक बार यूज किया नहाने के बाद, एक बार रात में सोने से पहले आपको इसे यूज करना है। जब भी यूज करें 2 to 3 minutes पहले, मतलब 2 to 3 minutes उसे आप स्ट्रोक में मसाज करना है। उसके बाद जब भी क्रीम एब्सॉर्ब हो जाए फिर उसे छोड़ देना है। फॉर अ बेस्ट रिजल्ट आपको दोनों टाइम इसे यूज करना है। 6 to 12 months आपको इसे प्रॉपरली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर प्रॉपरली दोनों टाइम इसे यूज करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम थी ब्रेस्ट की, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिमूव हो रही है, राइट? नेक्स्ट है बटअप लिफ्टिंग क्रीम। अगर मैं बटअप लिफ्टिंग क्रीम की बात करूं तो ये पोर्शन को लेके, या तो इस बटअप को लेके बहुत ज्यादा लोग अभी कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे ये देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे टाइम होती है, मतलब एक एज होती है जिस टाइम पे बटअप नीचे की तरफ लिफ्ट हो जाती है, राइट? उसके साथ साथ और क्या होती है, बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि आपकी फिजिक के हिसाब से, आपकी बॉडी की शेप के हिसाब से, आपकी जो बटक की वॉल्यूम होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होती है, राइट? उसके साथ साथ बहुत सारे टाइम पे ऐसी होती है कि बटक एरियाज पे वो कोई भी स्ट्रेच मार्क होना, पिंपल्स की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज होती है। अब ये सारी प्रॉब्लम की सलूशन है बटअप लिफ्टिंग क्रीम, क्योंकि ये बटअप लिफ्टिंग क्रीम नाम सुनते ही आपको यही लगेगा कि ये बटअप को लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से
जितने भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेडीज होती हैं कि जिनको मतलब उनकी वेट की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हेल्दी जो लेडीज होती हैं, जब वो वेट लूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, बटक नीचे की तरफ आ जाते हैं, लिफ्टिंग मतलब वो सैगिंग में सो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। तो ये बटक लिफ्टिंग क्रीम क्या करते हैं, उसे लिफ्ट करने में मदद करते हैं। एक फीमेल की जो कर्व्स होती हैं, उसे टाइटनिंग देना, स्मूथनिंग देना इसकी मेन काम होती है। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, बर्टेक की जो टिश्यूज होती हैं, जो वो मतलब बर्टेक की जो टिश्यूज को वॉल्यूम करके आपकी बर्टेक की साइज को इम्प्रूव करते हैं, राइट। जिनको भी कोई भी स्ट्रेच मार्क की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को अगर पिंपल्स की कोई भी प्रॉब्लम है, उसे रिमूव करने का काम करते हैं ये बटर लिफ्टिंग क्रीम। किस तरह से आपको इसे यूज करना है, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। जब भी आप इसे यूज करें, दिन में 2 बार इसे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। 1 to 3 minutes दिन में आप इसे यूज कीजिए, आप स्ट्रोक में इसे मसाज कीजिए, जब ये पूरी तरह से फुल्ली एब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है, जब ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए, राइट। तो हम लोगों ने 2 क्रीम के बारे में जाना है, एक है आपकी ब्रेस्ट के लिए, एक है आपकी बटक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इज अ मेन पार्ट, जहां पे एक लेडीज की हर प्रॉब्लम का शुरुआत होती है, वो है हाइजीन वॉश। ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं वजाइनल पीएच बैलेंस को, उसके साथ साथ ये कोई भी गायनो प्रॉब्लम को रिमूव करना, या तो जब आपकी मेंस्ट्रुएशन सर्कल स्टार्ट होती है, जिनको भी कोई भी यूटीआई के प्रॉब्लम है, जिनको भी मींस कोई भी ऐसी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम में आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी प्रॉब्लम होगी तभी आपको इसे यूज करना है, इसे डेली रूटीन में आपको इसे यूज करना है, दिन में 2 बार, राइट। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो गाइनो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने अभी की प्रॉब्लम बताया, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है। अगर आप इंटीमेट एरियाज को क्लीन रखते हैं, अगर आप उसे बैक्टीरिया फ्री रखते हैं, तो आपकी लाइफ में ये जो जितनी भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो डिजीज या तो जो कैंसर नाम की जो बीमारी है, इसे आप अपने यूट्रस को बचा सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली इसे यूज करते हैं। काइपो की ये जो हाइजीन वॉश है, ये क्या करते हैं, ये आपकी इंटीमेट एरियाज को क्लीन करना, स्मूथ करना और मॉइस्चराइज रखने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंटीमेट एरियाज को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है आपकी इंटीमेट एरियाज। क्योंकि अगर मैं कोई भी ऐसी लेडीज की बात करूं जिनको मेनोपॉज हो चुकी है, उस टाइम पे उनकी इंटीमेट एरियाज में ड्राइनेस होना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही एक नॉर्मल सी सिम्टम्स होती है, या तो इरिटेशंस होना बहुत ज्यादा मतलब एक नॉर्मल सी सिम्टम्स होती है। तो आप उनको उनको भी ये हाइजीन वॉश दे सकते हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन आई एम सो सॉरी जिनको मेनोपॉज स्टार्ट हुई है, राइट। ये बहुत ये आपकी पीएच बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। जहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि साबुन को यूज करना बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है, भाई वो ही काफी है, नॉर्मल पानी बहुत काफी है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप साबुन यूज कर रहे हैं तो उसकी पीएच बैलेंस बहुत ज्यादा मतलब अगर आप इंटीमेट एरियाज में साबुन को यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इंटीमेट एरियाज के लिए हर्श होती है, राइट। वहां से इन्फेक्शन ग्रोथ हो सकती है। अगर आप यूरिनेशन के टाइम ये हाइजीन वॉश से आपकी इंटीमेट एरियाज को क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बैक्टीरिया क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी यूरिनेशन के टाइम होती है, उस टाइम पे बहुत सारी हमारी गंदगी, बॉडी की जो गंदगी होती है, वो बाहर निकलती है, राइट। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकती है। जब आपकी इंटीमेट मीन्स जब आपकी मेंस्ट्रुएशन सर्कल स्टार्ट होती है, आप लोग सभी जानते हैं कि कितनी ज्यादा टॉक्सिन्स रिमूव होती हैं एक लेडीज की,
कितनी सारी बैक्टीरिया रिमूव होती है उस टाइम पे। तो आपकी इंटीमेट एरियाज को ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत है, ऐसी एक प्रोडक्ट्स की जरूरत है जहां पे उनको बैक्टीरिया से उस एरियाज को प्रोटेक्शन मिले। इसके लिए आपको हाइजीन वॉश की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाइजीन वॉश को किस तरह से यूज करना है, जब भी आप इसे यूज करें, एटलीस्ट अगर आप हर टाइम पे इस प्रोडक्ट को लेके ही आप यूज करते हैं तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आपको दोनों टाइम इसे इसको लेके यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, किस तरह से यूज करना है? नॉर्मली जैसे आप लोग यूज करते हैं इंटीमेट एरियाज को, पहले थोड़ा सा पानी से भिगो लीजिए, उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स लेके पूरी एरियाज को अच्छी तरह से मसाज कीजिए। राइट, उसके बाद नॉर्मल पानी से इसे प्रॉपरली क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकती है, बहुत सारी जो गायनो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सकती है। अब चलते हैं ऐसा एक प्रोडक्ट जिसका नाम है वजाइनल टाइटनिंग क्रीम। अगर मैं नाम सुन के ही आपको लग ही रहा होगा, ये वजाइनल के साथ या तो वजाइना के साथ ये जुड़ी हुई है एक प्रोडक्ट है। जी हाँ, क्योंकि ये जो वजाइनल टाइटनिंग क्रीम है ये क्या करते हैं, ये आपकी स्किन को फॉर्मिंग करते हैं। राइट, जो एक नेचुरल वजाइना की जो एक नेचुरल लुब्रिकेंट होती है उसे मेंटेन करते हैं, आपकी वजाइना की जो मसल्स होती है उसे टोन अप करना और उसे हाइड्रेट रखने का काम करते हैं वजाइनल टाइटनिंग क्रीम। बहुत सारे ऐसे लेडीज होंगे, क्योंकि एक टाइम था जब आप लोग जानते होंगे कि एक टाइम था जब हमारी मतलब जो लेडीज थे उस टाइम पे, अगर मैं दादी माँ के टाइम पे की बात करूं तो उस टाइम पे ज्यादातर यही एक प्रॉब्लम होती थी कि एक एज के बाद उनके वजाइनल बाहर निकल के आते थे, यूट्रस बाहर निकल के आते थे, वजाइना के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तब किसी को कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ सोल्यूशंस हो सकती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी हो, या तो उस टाइम पे जो लोग मतलब जो लेडीज होती थी उस टाइम पे इतनी मतलब वेटी कार काम करते थे, मतलब क्योंकि तब उस टाइम पे ना वो इतनी ज्यादा मशीन्स नहीं होती थी जहां पे उनको सारे चीज, ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उनको रेस्ट नहीं मिली है, उनको तुरंत काम में उनको जाना पड़ा, उनको घर का काम करनी पड़ी, बहुत सारे ऐसे चीज उनको उठानी पड़ी जो उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने वो कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर में यही देखा जाता है कि उनकी वजाइनल्स की जो भी प्रॉब्लम है वो शुरुआत हो चुकी है या तो हो जाती थी। लेकिन अभी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जहां पे हम लोग पहले से इसका प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आप अगर वर्किंग लेडीज हैं, आप अगर घर में रह रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब तो इसे यूज करना ही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन फ्यूचर ये एक ऐसी एरिया है कोई नहीं बता सकता है कि कब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, जिसके लिए आपको पहले से इस प्रोडक्ट की यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर मैं वजाइनल टाइटनिंग क्रीम की बात करूं जो हेल्प करती है आपकी इंटीमेट एरियाज की जो नेचुरल टोन होती है या तो जो इलास्टिसिटी होती है उसे मेंटेन करना, ये इंक्रीज करते हैं इस्ट्रोजन लेवल को जहां पे फॉर्म्स होती है न्यू टिश्यूज की। बहुत सारे ऐसे लेडीज होंगे जिनकी इंटीमेट एरियाज पिगमेंटेड होती है, उस पिगमेंटेशन को रिमूव करना या तो उसे लाइटनिंग करने का काम करते हैं ये वजाइनल टाइटनिंग क्रीम। ये ओनली फॉर इंटीमेट एरियाज का ही ख्याल रखते हैं जहां पे आपकी वजाइनल एरियाज टाइटनिंग रहे। राइट, उसकी वजह से आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। How to use, आपको किस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज करना है,
आप जब भी इसे यूज करें सबसे पहले तो आपको हाइजीन वॉश से इंटीमेट एरियाज को क्लीन करना है, उसके बाद आपकी फिंगर्स की टिप में इस प्रोडक्ट्स को लेना है एंड हल्की तरह से पुश करके इस प्रोडक्ट्स को वजाइनस एरियाज में हल्की हाथों से उसे पुश कर देना है, राइट। अगर आप 2 टाइम इस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं एंड 2 वीक्स तक अगर आप इसे करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स कितनी खास है आपकी वजाइनस एरियाज को टाइटन करने में। 3 मंथ्स अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपकी वजाइनल टाइटनिंग की अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसे उसकी रिजल्ट दिख जाएगी। इज अ वेरी पावरफुल एक प्रोडक्ट जहां पे आप अगर इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपकी वजाइनल की जो भी प्रॉब्लम, आपके वजाइनल की जो भी टाइटनिंग के इश्यू है वो पूरी तरह से रिमूव हो सकती है, राइट। सो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे अपनी सेशंस को, अपनी प्रेजेंटेशंस को एंड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की इसमें क्वेश्चन रहे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पे आप लोग अगर कोई भी ट्रेनिंग पे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे टीम होती है कि जहाँ पे आपकी लेडीज बहुत ज्यादा होती है, राइट। आप लोग जिस तरह से हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके बात करते हैं, जिस तरह से कोई भी सेगमेंट को लेके बात करते हैं, सो इज अ मेन पार्ट जहां पे हर एक लेडीज को ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो क्यों ना हम लोग आज के बाद कोई भी ट्रेनिंग पे अगर मतलब कोई भी ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इस प्रोडक्ट्स को लेके भी बात करें और वो खुल के बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सोच के देखेंगे तो आज आपको यहाँ पे मैं जितने भी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, जितने भी सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, शायद यहाँ पे जितने भी लेडीज हैं किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम तो जरूर है। ये आप मुझे बताएं या तो ना बताएं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो अगर हम लोग पहले से इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, राइट। सो किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज आप लोग मुझसे कर सकते हैं, बेझिझक आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है, एनीवन एनी क्वेश्चन। रीता जी अगर आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी। यहाँ पे चैट ऑप्शंस में जाइए, वहां पे मुझे लिखिए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी। चलिए क्वेश्चन, एक बात मैं आप लोग और एक बता दूं, क्योंकि मेरे पास जो पर्सनल क्वेश्चन आया है वो है कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, राइट, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिविजुअली आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है ये ओनली फॉर किट के अंदर ही आती है, या मतलब आपको अगर लेना है तो आपको पूरी किट ही लेना है। और एक लेडीज के लिए ये किट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट ये आपके लिए आपकी फ्यूचर प्रोटेक्शंस के लिए बनाया गया है, जहां पे आप अगर एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, तो आपकी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाया गया है। तो हर एक प्रोडक्ट आपके लिए खास है, हर एक प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही खास है, राइट। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 2000, बाय वन गेट। ये प्रोडक्ट्स आप कब से यूज कर सकते हैं, अगर आप मुझे एज पूछेंगे तो
तो जब एक लेडीज की मेंस्ट्रुएशन सर्कल स्टार्ट हो रही है उस एज से आप लोग इस प्रोडक्ट की यूज कर सकते हैं, मतलब उस एज से उसके बाद कोई लिमिट नहीं है एज की, कोई भी पेशेंट इसे यूज कर सकते हैं जिनको मेनोपॉज हुई है जिनको नहीं हुई है। बस एक चीज मैं बता दूं कि जब आपकी मेंस्ट्रुएशन सर्कल चल रही है उस टाइम पे आप ये वजाइनल टाइटनिंग क्रीम को यूज ना करें, क्योंकि उस टाइम पे यूट्रस एरियस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वीक रहता है, तो उस टाइम पे आपको ये मतलब वजाइनल टाइटनिंग क्रीम को यूज नहीं करना, राइट? और किसी का कोई भी क्वेश्चन? चलिए, एक क्वेश्चन आया है कि पिगमेंटेशंस को लेके, राइट? इंटीमेट पिगमेंटेशंस को के लिए मैंने पहले ही बताया ये जो वजाइनल टाइटनिंग क्रीम है आप इसे यूज कर सकते हैं, ये 95% लेडीज को है, राइट? क्योंकि इसकी दो वजह होती है, एक है जब आप सैनिटरी नैपकिन बाहर की जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होती है उसके अंदर, जहां पे आपकी इंटीमेट एरियाज पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं, और अगर आप हमारी जो सैनिटरी नैपकिन है उसे यूज करते हैं और उसके साथ साथ इस किट को यूज करते हैं तो कभी भी आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा रीता जी, आपकी जो क्वेश्चन है कि वजाइनल टाइटनिंग क्रीम किसी का अगर थोड़ा सा भी निकला है तो वो क्या कर सकते हैं, इज अ हाई टाइम जहां पे आपको ये प्रोडक्ट की यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों टाइम आप इसे यूज करवाएं, राइट? दोनों टाइम प्रॉपर वे में इस प्रोडक्ट को यूज करवाएं, जहां पे आपको अगर किसी को थोड़ा बहुत निकला हुआ है तो वो धीरे धीरे पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यही बताया है कि आपको 2 वीक्स तक इसे यूज करना है और उसके बाद फॉर अ बेटर रिजल्ट आपको 3, मतलब जब आप 2 वीक्स इसे यूज करेंगे आपको इसकी फर्क नजर आएगी, वो चेंजेस आपको नजर आएगी, और आप जब 3 मंथ्स इसे प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको पूरी तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से आपको रिलीफ देगी। ठीक है रीता जी, ब्रेस्ट वार्मिंग लोशंस। चलिए, एक क्वेश्चन आया है, ब्रेस्ट वार्मिंग लोशंस अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज होते हैं जिनकी ब्रेस्ट सैगिंग हो गई है, बहुत सारे ऐसे लेडीज होती हैं जिनकी बॉडी के साइज प्रॉपरली ब्रेस्ट की साइज नहीं है, बहुत सारे ऐसे लेडीज होती हैं जिनको बॉडी के साथ साथ उनकी ब्रेस्ट की साइज हेवी होती है, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम के लिए आप ये ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशंस को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की ब्रेस्ट हेवी है तो वो और भी हेवी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, उसे उस टिश्यूज को जिसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट हेवी दिख रहा है उसे प्रॉपर साइज में प्रॉपरली उसे मेंटेन करते हुए आपकी ब्रेस्ट को वो टेक केयर करने का काम करते हैं। किट है 2000 का, इट्स अ प्राइस ऑफ 2000, बाय वन गेट वन। राइट, इंटीमेट, देखिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, जो क्वेश्चन आपने किया है कि इंटीमेट वॉश को हम लोग किस तरह से यूज करें, मतलब कितनी बार यूज करें, मैं तो बोलूंगी आप अगर वर्किंग लेडी हैं तो आप जब बाहर जाते हैं, आप अगर कोई भी ऑफिस में वर्क करते हैं आपके लिए कोई अलग सा वॉशरूम नहीं होती है, राइट? तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ की चांसेस बहुत, मतलब बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो जिसकी वजह से आप जितनी बार चाहे इसे यूज कर सकते हैं, आप अगर बाहर की टॉयलेट यूज कर रहे हैं आप उतनी बार कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको 2 to 3 टाइम्स इसे करना ही है,
अगर आप जितनी बार यूरिनेशंस के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे कर रहे हैं, इससे अच्छा चीज और कुछ नहीं हो सकती है। जब आपकी मेंस्ट्रुएशन सर्किल चल रही है उस टाइम पे आप बार बार इसे वॉश करें तो इसमें आपको बहुत मतलब आपको ना मतलब उस बैक्टीरिया की इफेक्ट से आपकी इंटीमेट एरियाज को बचाने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स, जहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, राइट? ओके, सो गाइज आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने भी जितना भी क्वेश्चन आया था हर किसी का क्वेश्चन का आंसर दिया है। लेकिन मैं हर किसी को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज इस प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट, अगर मैं लेडीज की बात करूँ, यहाँ पे जितने भी लेडी लीडर्स हैं, आप कोई भी रैंक में है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आप जितनी अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट्स को मूव कर सकते हैं, आप जितनी अच्छी तरह से एक लेडीज होके और एक लेडीज को समझा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, एक लेडीज जितनी अच्छी तरह से एक लेडीज को खुल के बोल पाते हैं, तो शायद एक जेंट्स के सामने वो बोलने में कहीं ना कहीं पे झिझकते हैं। तो मैं एटलीस्ट लेडीज को यही कहूंगी कि आप लोग जब कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी मीटिंग करते हैं, तो इसमें इस प्रोडक्ट को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आपके साथ जो लीडर है उनको बोलिए कि आपको ये बताना है एटलीस्ट 10 to 15 minutes, क्योंकि जब तक हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में किसी को कंसर्न नहीं करेंगे, हाइजीन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो हम लोग मतलब कोई नहीं समझेगा, प्रॉब्लम हमेशा रह ही जाएगा, इसका सोल्यूशंस नहीं निकलेगा। जब केवा के पास इतनी अच्छी एक प्रोडक्ट है तो क्यों ना हम लोग इसको लेके बात करें, राइट? सो आज की सेशंस आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को इस सेशंस में शायद फायदा आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके साथ साथ मैं यही रिक्वेस्ट फिर से करूंगी कि इस हाइजीन को लेके अभी इज अ हाई टाइम जहां पे हम लोग इस हाइजीन को लेके बात कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम लोग एक नया सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी हर दिन जो 4 बजे की सेशंस होती हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये सेशन में, क्योंकि हर दिन अलग अलग टॉपिक होती है, अलग अलग ट्रेनर होते हैं, सो प्लीज आप लोग इस ट्रेनिंग को लेके, या तो मैं अगर बोलूं कि इस 4 बजे के सेशंस को आप लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके सुबह से लेके रात तक आपकी हेल्थ की प्रोडक्ट्स को लेके हर एक चीज को लेके यहाँ पे बात होती है, राइट? ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय जय केवा, दिल से केवा। थैंक यू सो मच।